प्रशंसनीय है। आइए श्री राम प्रभु को याद करते हुए हम उनके नाम को स्तुति उनको बुलाते हैं, आह्वान करते हैं उनका अयोध्या से के प्रभु श्री राम। Thank you.
बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज का जो ये कार्यक्रम हम जो स्टार रिपोर्ट की ओर से करने जा रहे हैं, ये पहली बार ऐसा प्रोग्राम है कि भगवान रामचंद्र जी का लाइव एक्टिंग आपके वहां भाई मनोज कराएगा। क्या बात है। मैं प्राय से भरत भाई कोठारी और भरत भाई शाह से विनती करूंगा, कृपया मंच पे बधारे भरत भाई कोठारी और भरत भाई शाह। मुंबई डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन के भूतपूर्व प्रमुख भाई महेंद्र भी स्वागत करें। वो आज मतलब हर जगह बिजी रहने वाला इंसान आज पहली बार भगवान रामचंद्र जी के लिए पता नहीं कैसे भेंट आए। फिर हमारे कार्यक्रम के एसीबी दत्तात्रेय जी विनती सदराम जी बता रहे मंच पे बता रहे एसीबी जी भाई दीपक बंसाली से विनती कृपया मंच पे बता रहे भाई संजय शाह मुंबई अनमोल रत्न के एडिटर मंच पे बता रहे। अब मैं भरत भाई कोठारी और भरत भाई शाह से विनती करूंगा कृपया दीप प्राइवेट से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। भरत भाई बल्ले भरत यात्रा को बलविंदर भाई हेलो हेलो नचिकेता भाई हेलो आकाश राज पुरोहित अस्तो मा सद्गम भाई प्रदीप भगवान का भोपाली तम सो मा ज्योतिर्गम आकाश आकाश जरा ऊपर देखिए अस्तो मा सद्गम तम सो मा ज्योतिर्गम देवं भारति ज्ञान दे कर दे और इस कार्यक्रम के मुख्य हीरो भाई मनोज से विनती कृपया दीप प्रागट्य करें। भाई मनोज जी ज्योत से ज्योत जला के चलो ज्योत से ज्योत जलाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो ज्योत से ज्योत जलाते चलो ज्योत से। भगवान रामचंद्र जी हमें दर्शन देने आ रहे और भाई मनोज दास जो गंगा जल शुद्ध पानी और चंदन से भगवान की जो पेंटिंग उनका सत्कार करेंगे उनका सम्मान करेंगे। हम सब लोग गाजे बाजे के साथ भगवान रामचंद्र जी को बुलाएंगे। आप सबसे नम्र विनती है एक घंटा आराम से बैठे। अभी भाई बल्लू बलविंदर जी का फ्लूट और उस्ताद क्या उनका का ऐसा हुआ कि मतलब वो घायल नहीं मंडे मतलब वो जा रहे थे तभी उन्होंने बोला कि लक्ष्मण नहीं तो वह भी नहीं मतलब ऐसे भाई और दोस्तों के अंदर दोस्त और हम राम बोलते तो एक राजा राम और राम राजा से भगवान बनना ये जो क्रिया है वो व्यापारी लोग समझते नहीं है परंतु क्या है राजा राम के जैसे कोई राजा नहीं हुए बढ़िया था। कई चीजें ऐसी होगी मेरे ख्याल सबसे पहले भाभी जी आपका संग बजेगा जब चालू होगा और भाई बलविंदर जी और उस्ताद खान जी दोनों की तबला
और फ्लूट सुने के जो बड़े बड़े शादियों के फंक्शन में हम लोग खाली टीवी पे देखते, आज मैं आपको वो भी लाइव दिखाऊंगा। चाहिए हम भरत भाई को सुनते, भरत भाई साहब। आरोप से नई नई चीज लेके आते हैं। आज अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सालों के बाद राम जी को याद किया और भव्य देहरासर उनका बनाया है। आज कण कण में राम है मगर लोग उसको भूल गए थे, मगर आज का यंग जनरेशन आज भी उसको देख के भी याद करेगा और आगे भविष्य में अच्छा अच्छा काम करेगा। थैंक यू।
उनकी नजरों में मुझे दिखा के आगे मतलब ये आपके साथ नहीं होना चाहिए था,
इसके बाद में फिर 2014 साल में ही इस गाने का 50 साल पूरे हुए थे, उसके एक प्रोग्राम में मैं नरेंद्र मोदी जी से फिर से मिली, तब मेरी बेटी मेरे साथ में थी और बेटी ने कहा कि मुझे आपके साथ एक तस्वीर लेनी है, तो उन्होंने कहा कि आओ बेटा लेते हैं तस्वीर, आपको याद है ना मैं आपके घर आया था, और मतलब इतने करीब से उनको मिलने का मौका मिला और आज देश उनके हाथ में है तो निश्चित रूप से सुरक्षित हमें महसूस होता है। रामनवमी में राम जी ने पास्ट में क्या क्या किया था और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वहाँ पे टेंपल किया है उसके लिए आज का नवा नवे युग में जो भी नया जनरेशन आएगा उसको मालूम पड़ेगा कि सालों पहले राम जी ने कितने अच्छे काम किए थे। राजपाट छोड़ के वो ने उन्होंने वनवास जाके अच्छे काम किए थे, तो आज के युग में कोई ऐसा पैदा होगा तो मेरे हिसाब से जो आज के ज़माने में वॉर चलती है लफड़ा होता है सब
वो बंद हो जावे और सबके घर में सुख शांति रहे, ऐसा संदेश आवे। थैंक यू। इसके मेरे हिसाब से तो कोई भी समाज हो सबको साथ में मिलजुल के काम करना चाहिए और इसके अंदर दुश्मनी में किसी के साथ रखनी नहीं चाहिए। थैंक यू। क्या बात है सर। मौका मुझे मिला, मैं सौभाग्य मानता हूँ और मैं सभी बिल्डर जो बिल्डिंग का काम करते हैं वो जी जगह के अंदर कितना भी पैसा खर्चा करते हैं तो वो उनके लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि बिल्डर लॉबी के अंदर जब काम करता है आदमी तब उसको बहुत सारे जीव हत्याएं होती है। इसके लिए बिल्डिंग का काम करने वालों को मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसी जीव दया के अंदर जहां पे भी इस तरह के बोलियां बोली जाती है तो चढ़ बढ़ के ऐसे कार्यों में भाग लेवे। इस तरह के प्रोग्राम और कहां कहां होंगे? ऑल ओवर इंडिया में ऐसे प्रोग्राम होते रहे और हार्दिक भाई ऐसे कार्य करते रहे और आप लोगों का मीडिया का सहयोग इनको मिलता रहे और हमारे जैसे लोग है उनका भी सहयोग हार्दिक भाई को मिलता रहे। कॉन्सेप्ट ऐसे माइंड में आया कि मैं जब सोशल एक्टिविटी करते हैं पत्रकार जगत में मुझे 27 साल हो गए तो मुझे लगता है कोई करे तो कुछ नया करूं, तो रामनवमी आ गई थी तो मैंने सोचा क्यों ऐसा कबूल क्यों के लिए किया ना के मैंने भरत भाई कोठारी से बात की, मनोज दास से बात की तो मनोज बोला कि नहीं भारती में मैं पैसा नहीं लूंगा, तो पुस्तक में जो किया बोल क्यों के लिए खर्चा होता तो मैं रेडी, तो मुझे लगा ऐसे ही सारा प्रोग्राम करना चाहिए और जिस तरह से मीडिया का सपोर्ट उसी का सपोर्ट मिलेगा तो हम सकारात्मक सोच का एक खतर ये मीडिया बनेगा और हम सब ऐसे कार्यों में पुण्यशाली बनेंगे। तैयारी करने चाहोगे तो जरूर लोग जुड़ेंगे, जैसे आज आप लोग सब हमारे साथ जुड़े तो भरत भाई जैसे लोग मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, अभी हम कोशिश करें तो बहुत लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तो मैं तो अच्छी बात है ना, सब लोग जुड़े हैं, राम तो सबका भगवान है, राम भारत तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब थे, कलाकार भी सब थे, बजाने वाले सब थे, अपने पत्रकार जगत में
भगवान नहीं है, राम आदर्श पुरुष राम है। तो आदर्श बनने के लिए राम की प्रेरणा सभी धर्मों को जरूरत है। आदर्श बनने के लिए सभी धर्मों को के लोगों को आदर्श बनने की जरूरत है। हमें राम को मानना ही पड़ेगा और आदर्श बनना ही पड़ेगा। समाज को यह मैसेज देना चाहता हूँ, समाज जो प्रोग्राम करते हैं जो कार्यक्रम होते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, साथ में सपोर्ट देना चाहिए, जिससे समाज में सकारात्मक मैसेज जाए। आज हम लोग कई ऐसे ऐसे और फंक्शन बनाए बहुत करता है, लेकिन मुझे लगता था आज जैसा मेरी लाइफ में मेरा कोई प्रोग्राम नहीं किया, और मैं चाहता हूँ ऐसे कार्यक्रम अभी हम हर जगह करेंगे। पहली बार अयोध्या में जो है आज सूर्य किरण से जो है उनकी तिलक की गई, कितनी आकर्षक आकार से हमारे अच्छी बात है। आप देखो अभी यंग लोग जैसे भरत भाई कोठारी जैसे लोग अभी ऐसे इसी तरह के काम में लगे, नहीं तो लोगों को क्या होता, जहाँ नाम मिलता वहाँ पैसा देते थे, लेकिन भरत भाई ने सोचा नहीं समाज के लिए कोई अच्छा काम होता है। तो मैं तो चाहता हूँ भरत भाई के तो हर बिल्डर हो गए, और जैसा जितनी पत्रकारों की जो फौज है मेरे पत्रकार भाइयों, इसी तरह हम लोग सब मिलकर समाज में नई क्रांति जरूर ला सकते हैं। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? इधर जाइए, बस जय श्री राम। हम राजस्थान से है और हम जैन समाज से है, तो हम जीव दया के लिए मुंबई में नहीं, इंडिया में नहीं, विश्व में जैन समाज ये कार्य करता आया हुआ है। आप बॉम्बे के अंदर दादर का कबूतर खाना देखेंगे, या जवेरी बाजार के अंदर देखेंगे, या घर घर के अंदर एक पानी रखने की प्रथा और एक कबूतर को दाना डालने की प्रथा हमारे खून के अंदर है। तो ये पैसा हमारे गांव के अंदर बहुत सारी गौशाला है, हमारा एक गोरे गांव के अंदर पशु छोटे छोटे जो होते उसका खुद का एक हॉस्पिटल है, ये करीबन 10 साल से चल रहा है। लगभग अंधेरी से लेके बोरीवली तक जो भी पशु गिर जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनको वहाँ पे लेके आते हैं। तो ये तो काम हमारा चल नहीं रहा था, तो मतलब ये रकम कुछ नहीं है, मतलब ये अमाउंट ठीक है, बोलनी थी इसके लिए बोली है, परंतु ये रकम कुछ भी नहीं है। ये बहुत सारी जगहों पे गौशाला है, कबूतर का जो जहाँ पे भी हॉस्पिटल्स रहते हैं छोटे छोटे, जहाँ पे कुत्ते लोग कुछ एक्सीडेंट हो जाती है, बिल्ली है, चमगादड़ है, बहुत सारे पक्षी आते हैं हमारे वहाँ पे, और उनका हम लोग हॉस्पिटल में डॉक्टर है और करते हैं। और ये बहुत छोटा अमाउंट है, मतलब कुछ भी नहीं, बोला छोटा अमाउंट है, मैं भी आप बड़ा कर सकते हम लोग। चलो आप सबका धन्यवाद।